नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम प्लान्स इंडिया में। आज आपके बीच में दोबारा मैं हाजिर हूं एक और लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं IFB की न्यू टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या इसमें हमारे को फीचर और फंक्शन मिले हैं, कितनी कैपेसिटी का ये मॉडल है, कितने RPM पे ये रन करेगा, क्या इसका MRP है, क्या बेस्ट प्राइस पड़ेगा और कैसी ये मशीन देखने में है, यानी इसकी लुक कैसी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस मशीन की लुक की। इस वक्त आप जो ये मॉडल देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है 9.5 kg SDIN, यानी ये 9.5 किलो की मशीन है और SDIN इसका मॉडल नेम है। SDIN का फुल फॉर्म है स्क्वायर डोर आइनॉक्स कलर। तो अभी ये जो आप स्क्रीन पे मशीन देख रहे हैं, ये 5-स्टार रेटिंग की मशीन है विद हीटर के साथ। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वारंटी मिल रही है, 4 ईयर की कंप्लीट मशीन पे वारंटी है यहाँ पे। साथ में आपको मिलेगा इस पे 10 साल की मोटर पे वारंटी और आपको साथ में मिल रहा है 10 साल का स्पेयर पार्ट सपोर्ट। अब इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं एक बार। अगर एक बार इसको देख लेते हैं नजदीक से, तो यह इसका स्टार रेटिंग का स्टिकर, ये स्टिकर है हीटर का, यानी कि इस मशीन के अंदर इनबिल्ट हीटर है। यहाँ पर वारंटी का स्टिकर लगा हुआ है, बट यहाँ पर मोटर वारंटी का स्टिकर मिसिंग है, बट इस पे 10 साल की आपको मोटर पे वारंटी भी मिलेगी दोस्तों। 4D वॉश लिखा हुआ है, यानी 4D वॉश वाली मशीन है और ये इसका आइनॉक्स कलर का कलर है इसकी बॉडी पे। डोर पे कलर देखें तो ये ब्लैक है, टफन ग्लास के साथ ये मशीन आती है। और इसका अगर हम पैनल देखें तो ये कम्प्लीटली टच पैनल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टच में है काफ़ी। चलिए इसके एक बार ड्रम को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने मशीन के डोर को ओपन किया, डोर ओपन होते ही ये लाइट ऑन हुई, और जैसे ही मैं डोर को वापस क्लोज करूंगा ये लाइट वापस ऑफ हो जाएगी। देखा आपने, तो जैसे रेफ्रिजरेटर में डोर ओपन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मशीन के डोर ओपन होते ही ये लाइट ऑन हो जाती है। सो ये लाइट हेल्प करेगी आपको नाइट के टाइम पे जब आप वॉश कर रहे हैं तो कपड़ों को साफ देखने में हेल्प करेगी। चलिए अब देखते हैं इसके ड्रम को। तो ड्रम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल है, यहाँ पे इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील का ड्रम है और इसको बोला जाता है क्रिसेंट मून ड्रम। तो ये क्रिसेंट मून ड्रम है। साथ में ये जो है ये स्क्रब पैड दिए हुए, यहाँ से स्क्रबिंग होती है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यह है लिंट टावर फिल्टर, तो यहाँ पर ये सारा लिंट कैप्चर कर लेता है। आप इसको आराम से यहाँ से निकाल के रिमूव कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह है ब्लीच डिस्पेंसर, यानी आप यहाँ से ब्लीच डाल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यह है बबलर, यानी आपको इंडिकेट करेगी मशीन कि ये एक्यूरेट स्टैंडिंग पोजिशन पर है। तो अभी देखिए जो बबल है ये दिखा रहा है कि मशीन सेंटर पे नहीं है, मतलब ये बबल जब तक सेंटर में नहीं आएगा यानी मशीन एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं है, एकदम सीधी नहीं खड़ी है। तो इसके लिए हमारे को लेग एडजस्ट करने होंगे और मशीन सीधी हो जाएगी फिर एकदम। सो नॉइज एंड वाइब्रेशन सारा खत्म हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से शावर आता है, 4D शावर बोलते हैं उसको, तो जो यहाँ से आते हैं फ्रेश वाटर का शावर आता है। और ये डिटर्जेंट चैम्बर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टनर, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्जेंट। तो जब आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पर इसके 2 चैम्बर नजर आएंगे, ये सॉफ्टनर के लिए, ये डिटर्जेंट के लिए। सो ये तो होगी इसकी ओवरऑल लुक और इसके अंदर के कुछ फीचर एंड फंक्शन। चलिए मैं देखिए डोर दिखाता हूँ। ये जो डोर है ये सॉफ्ट डंपिंग डोर है, आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे बहुत आराम से नीचे आएगा। देखिए कितने आराम से ये नीचे आ रहा है। तो बहुत ईजिली आकर ये बंद होता है, तो किसी भी तरह का कोई डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये भी इसकी एक खासियत है इस मशीन की। चलिए अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल प्रोग्राम्स की। तो कौन कौन से प्रोग्राम दिए हैं इसमें और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, क्या उसकी टाइमिंग है, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑन करते हैं इस मशीन को और देखते हैं ऑन करने पर ये मशीन कौन से प्रोग्राम पर जाती है। सो ऑन करते ही बाय डिफ़ॉल्ट इस मशीन ने जो सेलेक्ट किया है वो है स्मार्ट सेंस। आप देख सकते हैं स्मार्ट सेंस की लाइट इस वक्त जल रही है, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट सेंस की जो लाइट है ये जल रही है, ऑन हो रही है।
दैट मीन्स कि इसने बाय डिफॉल्ट स्मार्ट सेंस को ही सेलेक्ट किया है। स्मार्ट सेंस दोस्तों इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है, इसलिए इसने स्मार्ट सेंस को लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, मैं वापस स्मार्ट सेंस पे लेकर आता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कोई भी टाइमिंग नहीं आ रहा है, और मैं एक्वा कंजर्व में भी अगर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि एक्वा कंजर्व और स्मार्ट सेंस ये जो दो प्रोग्राम है, इन दोनों ही प्रोग्राम में ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर काम करेगी। आप जब लोड डालेंगे, लोड डालने के बाद मशीन उसको सेंस करेगा, सेंस करने के बाद ये मशीन आपको टाइमिंग दिखाएगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त मशीन सेंसिंग कर रही है, आप देख सकते हैं सेंसर वर्क कर रहे हैं इसके। कंप्लीट सेंस करने के बाद ये मशीन आपको टाइमिंग दिखा रही है 35 मिनट। तो मशीन ने ओवरऑल कितना वेट उसके ऊपर है वो सारा सेंस करके अपने आप मशीन ने यहाँ पर टाइमिंग शो कर दिया है। तो मशीन ने अपने आप टाइमिंग, टेम्परेचर, रिंसिंग सब कुछ खुद सेलेक्ट कर लिया है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोग्राम का यही सबसे बेस्ट फायदा है कि आप जो लोड डालते हैं उस लोड को मशीन अपने आप डिटेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद टाइम सेट कर देती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, स्टॉप करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रोग्राम जो यहाँ पर हमने लगाया दोस्तों ये है हाइजीन प्लस। हाइजीन प्लस जैसे ही हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट का टाइमिंग आ गया है। ये प्रोग्राम आपको आपके कपड़ों को हाइजीनिकली वॉश करने में हेल्प करता है। अगर आप इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं तो इस मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट रिंसिंग ऐड हो जाती है, और अगर ये हीटर वाली मशीन है तो इस पर टेम्परेचर भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस मशीन ने टेम्परेचर को ऐड कर लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइलेंट का, इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो ये 1 घंटे 1 मिनट का प्रोग्राम है इस मशीन के अंदर, और यहाँ पर मशीन का जो आरपीएम है जो वॉशिंग का और लास्ट में जो बजर बजता है वो दोनों कम हो जाएगा। तो मशीन का नॉइस बहुत ही कम आपको सुनाई देगा ताकि किसी और को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस 1/2 घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों इस मशीन के अंदर, और 1/2 घंटे के अंदर आप अपने कम गंदे कपड़े जिनकी क्वांटिटी भी कम हो, यानी 2 से 2.5 किलो के कपड़े जो कि कम गंदे हैं, आप उनको इस पे वॉश कर सकते हैं इस वाले प्रोग्राम पे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फेवरेट। फेवरेट का जो प्रोग्राम है दोस्तों इसको आप जब सेलेक्ट करते हैं तो मशीन जो आपका फेवरेट प्रोग्राम होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। यानी सपोज मान लीजिए आपने कल मॉर्निंग एक प्रोग्राम लगाया था जो आपको अच्छा लगा, आप सेम उस प्रोग्राम को रिपीट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने फेवरेट सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है, मशीन उस कल मॉर्निंग के प्रोग्राम को वापस रिपीट कर देगा। पर याद रखिएगा दोस्तों ये लास्ट प्रोग्राम को रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि आपने कल मॉर्निंग में कुछ और लगाया फिर कल इवनिंग में कुछ और लगाया और आप चाहते हो कि कल मॉर्निंग वाला चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये कल इवनिंग वाला प्रोग्राम रिपीट कर देगा। इसलिए फेवरेट में आपका जो भी लास्ट प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया था ये उसको रिपीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टब क्लीन, जो कि 2 घंटे 5 मिनट का यहाँ प्रोग्राम है, और आप देखेंगे यहाँ पे वाटर लेवल पूरा हाई पे सेलेक्ट हो गया है। टब क्लीन बेसिकली मशीन की मेंटेनेंस के लिए ये प्रोग्राम होता है, आपको टाइम टू टाइम से कर लेना चाहिए। वैसे ही एरिया टू एरिया डिपेंड करता है इसको कि कब यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे वाटर हार्डनेस बहुत कम है, MCD का ही पानी आता है, 2 से 3 महीने में एक बार कर लें। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पानी हार्ड मिल रहा है, तो आप वहाँ पर 45 डेज़ के अंदर इसको एक बार ज़रूर कर लें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर में स्पोर्ट्स के कपड़े जिसमें 42 मिनट ये टाइमिंग ले रहा है, और 3 लेवल तक का वाटर लेवल इसने सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर के बटन से। आप वॉशिंग और ऐड करना चाहते हैं तो आप वॉशिंग को ऐड कर सकते हैं। आप रिंसिंग को ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। आप और ज़्यादा स्पिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसने बाय डिफॉल्ट 42 मिनट का टाइम लिया है, आप यहाँ से और भी टाइमिंग या रिंसिंग या टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिले टाइमर देना चाहते हैं तो आप डिले टाइमर भी दे सकते हैं। 1 से लेकर यहाँ पे 24 घंटे का आपको डिले टाइमर मिल जाएगा। और अगर आपको एयर ड्राई करना है, यानी आप एयर ड्राई करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कपड़े सुखाना चाह रहे हैं, तो आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है डेलिकेट। डेलिकेट कपड़ों के लिए प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कपड़े होते हैं जिनके डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे 39 मिनट का ये टाइमिंग लेगा, और वाटर लेवल इसने काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा वाटर में ही आपके कपड़े सेफ रहेंगे, कम स्क्रबिंग होगी ड्रम से, वाटर में ही कपड़े ज़्यादा धुलेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंकेट का है। तो ब्लैंकेट का 1 घंटे 22 मिनट का प्रोग्राम है। यहाँ पर वाटर लेवल भी इसने हाई सेलेक्ट कर लिया है और टेम्परेचर भी इस मशीन ने ले लिया है। सो ब्लैंकेट को वॉश करने के लिए प्रोग्राम दिया गया है। अगर आपके पास भी हैवी कपड़े हैं तो आप वो इस पर वॉश कर सकते हैं। जीन्स भी हैवी कपड़ों का ही प्रोग्राम है दोस्तों, तो ये भी हैवी क्लोथ्स के लिए ही है।
तो आप ऐसे कोई कपड़े जो कि हैवी हैं, अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो आप जीन्स पे उसको डाल के वॉश कर सकते हैं। साड़ी, अगर आपके पास कोई साड़ी है, स्पेशली साड़ी के लिए प्रोग्राम डेवलप किया गया है, तो साड़ी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। यहाँ पर 51 मिनट की टाइमिंग लगेगी और वाटर लेवल जो है इसने यहाँ पर हाई सेलेक्ट कर लिया है। सो इस तरीके से इसमें सारे प्रोग्राम हैं। MRP की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो MRP है इसकी 35,790, और जो बेस्ट प्राइस पड़ेगा मार्केट पर इसका, आप MRP से 10-12% लेके चलिएगा, वो आपको बेस्ट प्राइस मार्केट पर ईजिली मिल जाएगा। साथ में ये वाला जो बटन है, ये पावर का बटन है, और ये वाला स्टार्ट पॉज का बटन है जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं। आप इस मशीन को दोस्तों मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। मैन्युअली यानी अगर आप चाहते हो कि खाली वॉश करना चाहते हो, आप खाली रिंस करना चाहते हो, या खाली आप सिर्फ स्पिन करना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो इन सभी बटन से। अगर आप यहाँ से मैन्युअली वॉश करोगे तो मैन्युअली आपको वाटर लेवल देना पड़ेगा, मैन्युअली टेम्परेचर देना पड़ेगा। खाली आप वॉश करना चाहते हो तो यहाँ के सिर्फ वॉश का बटन प्रेस करना है, मशीन सिर्फ वॉश करके देगी आपको। आप सिर्फ रिंसिंग करना चाहते हो तो आप रिंसिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आप ना वॉश करना चाहते हो ना रिंस करना चाहते हो, आप सिर्फ कपड़े को ड्राई करना चाहते हो, सुखाना चाहते हो, तो आप स्पिन में डाल के भी कर सकते हो। यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे का डिले टाइमर मिलेगा, तो आप डिले टाइम दे सकते हो। जितने बजे का आप डिले टाइमिंग दोगे उतने बजे ये मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। और ये सामने आप देख रहे हैं एयर ड्राई का ऑप्शन, जिसमें आपको 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, जो आप एयर ड्राई सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए इसी प्रोग्राम में आपको मैं डिले टाइम लगा के दिखाता हूँ। देखिए 1 घंटे की डिले टाइम, दो, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये 24 घंटे तक जाएगा, तो मैं इसको पूरा 24 घंटे तक का आपको दिखाता हूँ। चौबीस घंटे के बाद ये वापस जीरो हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी इस मशीन के बारे में। अगर आपकी फैमिली लार्ज साइज़ है, आपका फैमिली का यानी 5 से ऊपर मेम्बर हैं, तो आप इस मशीन पर जा सकते हैं। ये 9.5 kg का मॉडल है, यानी कि बड़ी फैमिली के लिए ये मॉडल काफ़ी यूज़फुल है। और क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न दोस्तों शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध खत्म होने के बाद सारे फेस्टिवल सीज़न ही होंगे फिर, तो इस मशीन पर आप जा सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन मॉडल। दोस्तों मिलेंगे फिर अगली एक वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।